कल साय शाम 8:30 बजे रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो के पदस्थापना समारोह का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो का पदस्थापना समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजित सादे समारोह में रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3053 के प्रांतपाल रोटेरियन राजेश चूरा और उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3053 के क्लब ट्रेनर जगदीश वच्छानी ने बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए मनोनीत कार्यकारिणी को प्रांतपाल रोटेरियन राजेश चूरा ने विधिवत रूप से शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि रोटेरियन नरेश भाटिया को अध्यक्ष, रोटेरियन MT वाधवानी को सचिव और रोटेरियन दीपक अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। रोटरी क्लब अध्यक्ष नरेश भाटिया ने बताया कि समारोह में 5 नए सदस्यों को क्लब से जोड़ा गया। कल साय शाम 8:30 बजे रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो के पदस्थापना समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन समारोह के मुख्य अतिथि रहे श्री प्रांतपाल रोटेरियन राजेश जी चूरा साहब। प्रारंभ में राजेश चूरा जी, मीना भाटिया, नरेश भाटिया, MT वाधवानी द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। उसके पश्चात क्लब की अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष एवं अभी वर्तमान में जी श्रीमती मीना भाटिया ने सभी का स्वागत किया तथा राजेश जी चूरा होते हैं प्रांताल राजेश जी चूरा का एवं प्रथम लेडी श्रीमती विजयलक्ष्मी चूरा का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया तथा आए हुए सभी रोटेरियन साथियों को का स्वागत किया। उसके पश्चात उन्होंने अपने उद्घोषण में बताया कि पिछले साल हमने बहुत अच्छे सेवा कार्य किए तथा हम इस वर्ष भी इसी तरह के कार्य करते रहेंगे। इसके पश्चात प्रांतपाल राजेश जी ने नवनिर्वाचित टीम को शपथ ग्रहण कराया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए श्री नरेश भाटिया, सचिव पत्र के लिए MP वाधवानी तथा अन्य बोर्ड मेंबर्स को पिन लगाकर शपथ ग्रहण कराया गया। इस पद को तन मन और धन से निर्वाह करूंगा और क्लब को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने की चेष्टा करूंगा। क्लब को और बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए मुझे आप सभी रोटेरियन साथियों का सहयोग भी चाहिएगा, तन मन धन से सहयोग चाहिए, जो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों का मिलेगा और हम क्लब को और बुलंदियों तक ले जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में नहीं, हम पूरे देश में हमारे मेट्रो क्लब का नाम ऊंचा करेंगे। और जैसे हमारे चूरा साहब ने बोला कि फेलोशिप चाहिए और नए मेंबर चाहिए और रंगेस्टर चाहिए, तो मैं चूरा साहब को विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस साल रंगेस्टर को जोड़ेंगे और नए मेंबर्स बनाएंगे। हमने इसके लिए एक प्लानिंग भी करी है कि हम हमारे यहाँ अभी 60 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, हम चाहेंगे कि हमारे तीन मेंबर्स मिल जाए और अपने हिसाब से जो आपस के लाइकिंग के ग्रुप हैं वो तीन जने मिल जाएं। इस तरह से हमारी 20 टीमें बन जाएंगी जो नए मेंबर्स के लिए जा सकती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 20 टीमें बन जाए उनमें से तीन जने जो हैं अपने परिचितों के पास, अपने रिलेटिव के पास, अपने फ्रेंड्स के पास तीन जने जाएं, और एक हफ्ते में अगर तीन जनों के पास जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि एक मेंबर जरूर बन जाएगा। और इस तरह से हमारे क्लब, हमारे रोटरी फैमिली में 20 जने और बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस साल हम मेंबरशिप भी बढ़ाएंगे और रंगेश्वर को लाएंगे। इंस्टॉलेशन कराया, उसके बाद फिर हमारे साथ एक प्रोजेक्ट करने गए गौशाला में, जहाँ गायों को चारा खिलाया गया। इतने व्यस्त समय के बाद भी अभी आप हमारे साथ हैं, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इनका इंट्रोडक्शन सुनना, देखा जिसमें सबने देखा कि राजेश साहब इतनी, चूरा साहब कितनी अच्छी बड़ी शख्सियत हैं। पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि राजेश साहब धार्मिक प्रकृति के भी हैं। चूरा साहब धार्मिक, वो डेली रामचरितमानस का पाठ करते हैं और उनको सारे श्लोक कंठस्थ याद हैं। तो ऐसे धार्मिक प्रति के लिए हम तहे दिल से उनका आभार प्रकट करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि हम इतने बड़े आदमी होने के साथ भी इनकी धार्मिक प्रवृत्ति है और धार्मिक कदमों से जुड़े हुए हैं। आज जब हम वहाँ
गौशाला गए गायों को चारा खिलवाने, तो उन्होंने अक्सरत ये कहा कि एक ट्रॉली चारे की आज मेरी तरफ से ही दी जाए, और उन्होंने उसी टाइम पैसे निकाल के दिए कि ये एक ट्रॉली मेरे तरफ से दी जाए। तो ऐसे शख्सियत को आभार व्यक्त करता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे ए जी मीना भाटिया जी का, जिन्होंने पूरे साल जब प्रेजेंट थी तो उन्होंने क्लब को बुलंदियों तक पहुंचाया और बहुत अच्छा कार्य किया, और अभी हम एजी हैं, हम के सानिध्य में हम जाएंगे, हम भी अच्छा कार्य करेंगे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। द वुड क्राफ्ट की ओर से स्वामी न्यूज के 19 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। द वुड क्राफ्ट आर्किटेक्चर इंटीरियर फिट आउट्स कस्टमाइज एंड मॉड्यूलर फर्नीचर जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग डिजाइन एंड बिल्ड रेस्टोरेशन एंड रिफर्बिशमेंट। कॉन्टेक्ट करें 9414002004, नंबर एक बार फिर 9414002004। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300303072 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार फाईसागर रोड अजमेर। क्या आप फाईसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं? तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार फाईसागर रोड अजमेर।